हेलो दोस्तों, एजेट इलेक्ट्रिकल लोअरिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे LG से वायर का वॉश टाइमर का कनेक्शन किस तरह से किया जाता है वॉश मोटर का साथ। दोस्तों देखिए, ये जो हमें देख सकते हैं कि ये हमें एक से वायर का वॉश टाइमर है, और ये से वायर का वॉश टाइमर में आपको ऐसा दो वायर देखने को मिलेगा जिसमें पिन लगा हुआ वायर है। देखिए, ये वायर में एक पिन लगा हुआ है, देख सकते हैं। और देखिए, ये व्हाइट कलर जो एक वायर है, देखिए ये व्हाइट कलर एक वायर में एक पिन लगा हुआ वायर है, ठीक है। तो ये दो वायर में पिन लगा हुआ वायर है, तो ये दो वायर लेके आपको बाजार में दे देना है। ये बाजार का वायर है, ठीक है। ये बाजार का कनेक्शन कंप्लीट। अभी इस तरह से चार वायर लंबा तार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनमें से जो है लंबा तार में से रनिंग स्टार्टिंग वायर कौन सा होगा, देखिए रनिंग स्टार्टिंग जो वायर होगा दोस्तों, ये देखिए, ये रेड कलर इसका स्टार्टिंग है और येलो कलर इसका रनिंग है। रनिंग स्टार्टिंग वायर कहाँ लगता है दोस्तों? रनिंग स्टार्टिंग वायर कैपेसिटर में तो लगता है। तो देखिए, यहाँ से ऊपर से लेके आके देखिए, ये जो येलो कलर जो मैच कर रहा है, लेकिन जो है और एक कलर है रेड कलर, वो मैच नहीं कर रहा है। तो दोस्तों कलर कोड अलग अलग हो सकता है। तो देखिए, रनिंग स्टार्टिंग वायर कैपेसिटर में लगेगा। ये मोटर है, तो मोटर से तीन वायर बाहर निकल के आएगा। कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, तो मोटर का रनिंग स्टार्टिंग देखिए येलो कलर है इसका रनिंग है, और जो है ग्रे कलर है ये इसका स्टार्टिंग है। तो इन दोनों जो है कैपेसिटर में लगा हुआ है, तो रनिंग स्टार्टिंग वायर कैपेसिटर में लगता है। तो ये एक टाइमर का वायर जोड़ के ये रनिंग स्टार्टिंग में लगा देना है, ये येलो में और ग्रे में, इस तरह से रनिंग स्टार्टिंग में आपको लगा देना है, ठीक है। तो ये दो वायर रनिंग स्टार्टिंग का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी देखते हैं दोस्तों, चलिए अभी ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके दूसरा वायर का कनेक्शन बताते हैं। तो देखिए, अभी जो है ये व्हाइट कलर वायर है, ये व्हाइट कलर वायर कहाँ में लगेगा? देखिए, व्हाइट कलर वायर जो है ऊपर से नीचे आएगा, और ये वायर लगेगा दोस्तों मोटर का कॉमन वायर में। मोटर का कॉमन वायर मतलब कि न्यूट्रल वायर, कॉमन वायर मतलब न्यूट्रल वायर। तो यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई जो है मोटर का कॉमन वायर में, मोटर का कॉमन वायर में न्यूट्रल सप्लाई मिलेगा, और मोटर का कॉमन वायर का वहाँ से जो है न्यूट्रल सप्लाई जो मिलेगा, और यहाँ से ये वायर जोड़ देंगे तो यहाँ से जो है न्यूट्रल जो टाइमर को भी मिलेगा, ठीक है, टाइमर को भी मिलेगा। देखिए, ये जो ब्लू कलर वायर है ये मोटर का कॉमन वायर है, तो यहाँ में जोड़ देंगे तो ये न्यूट्रल सप्लाई मिलेगा। अभी जो है इस ब्लैक वायर में आपको क्या देना है? न्यूट्रल तो मिल चुका है टाइमर को, अभी जो है फेस देना है। तो ये जो ब्लैक वायर है, ये फेस मेन सप्लाई का जो फेस है, ये फेस में जोड़ देना है। देखिए, ये वायर सीधे जाएगा मेन सप्लाई का फेस में, ये वायर में फेस सप्लाई जाएगा। देखिए, इस तरह से जो है देख सकते कि ये जो है मेन सप्लाई का फेस में जाएगा। देखिए, ये हमें आया है, ये हमें जॉइंट है, और ये सीधा जाता है कहाँ में? देखिए, ये सीधा जाता है ये मेन सप्लाई का फेस में। तो इस तरह से ये हमें जो है ये कनेक्शन पूरा से वायर का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के लिए ऊपर से टाइमर को घुमाते हैं। देखिए, ऊपर से टाइमर को घुमा दिया है। अभी देखिए, ये एक तरफ घुमा है, ठीक है, एक तरफ घुमा है। अभी रुकेगा दोस्तों, रुकने के बाद दूसरा तरफ घूमना चाहिए, ठीक है। अभी रुका है, अभी दूसरा तरफ घूमता है। तो दोस्तों, इस तरह से कनेक्शन किया जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।